नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की नव गठित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी नव निर्माण सब कमेटी के सदस्य सरदार गुरमीत सिंह बग्गा ने घंटाघर स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने बताया कि सिख समाज की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने हरिद्वार स्थित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के पुनर्निर्माण में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर अपनी एक सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से उन्हें इकलौते सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिसके लिए सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने एसजीपीसी नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। प्रेस वार्ता में बलवीर सिंह, दलजीत सिंह कोचर, जसवीर सिंह बजाज, दर्शन सिंह शामिल हुए। डिफेंस कमरे का जो मेन मकसद था वो ये है कि सिखों की सर्वोच्च संस्था जो है वो श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर है, उन्होंने अभी एक सब कमेटी बनाई है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी निर्माण के नव निर्माण के लिए। तो उसका सब कमेटी का मुझे सदस्य नामित करने का काम किया, जो एक सेवा मुझे दी है कि आपने वहाँ पर जो इस सरकारों से या संगतों से गुरुद्वारा कमेटियों से कोऑर्डिनेशन करके इस मूवमेंट इस मसले का निस्तारण कराने में जो है श्रोमणि कमेटी का सहयोग करना। तो आज उसके लिए हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें सहारनपुर फिलहाल अन्य शहर के सभी गुरुद्वारा के प्रधान साहब, गुरुद्वारा शंकर सिंह साहब के पूर्व प्रधान, पूर्व जनरल सेक्रेटर और फिलहाल की जो मौजूदा कमेटी है उनके प्रधान साहब, सेक्रेटर साहब और मैनेजमेंट कमेटी को यहाँ आमंत्रित किया था। सब लोगों ने यहाँ आकर आशीर्वाद देने का काम किया है। सहारनपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गौवंश में फैल रही बीमारी को लेकर एक ज्ञापन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि गौवंश में फैल रही बीमारी के संबंध में पशुपालकों को उचित जानकारी विभाग उपलब्ध कराए, एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जाए। बीमारी के चलते जो पशुपालक अपने पशुओं की मौत के कारण संकट से घिरे हुए हैं, उन्हें शासन आर्थिक सहायता मुआवजे के रूप में उपलब्ध कराए, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, जिला प्रवक्ता गणेश चंद्र शर्मा, अशोक सैनी, रवि कुमार पार्षद, चंद्रशेखर सिंह निक्कू, वीर सैन, इमरान कुरैशी मौजूद रहे। नोएडा के श्रीकांत त्यागी की तरह रायबरेली में भी जयशंकर सिंह पर लोगों को धमकाने की खबर आई है। दबंग जयशंकर सिंह ने तालाब में मत्स्य पालन को लेकर पीड़ितों को जमकर धमकाया, साथ ही हत्या करने की धमकी दी है। धमकीबाज करते हुए प्रशासन को भी भय उसमें दिखाई नहीं दिया। दबंग ने 15 दिन के अंदर हत्या करवाने की धमकी दे डाली। धमकी देते हुए दबंग बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र में खिरी के रहने वाले एक चोर को ग्रामीण ने पकड़कर खंभे से बांधकर जमकर पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इसी बीच चोर का एक साथी भाग निकला, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस पकड़े गए शातिर का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। प्रयागराज में नदियों में तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बढ़ते जलस्तर से संगम तट पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रहा है। वहीं मां गंगा के रौद्र रूप ने बड़े हनुमान जी को भी स्नान करा दिया है। इन दिनों मां गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूरा संगम तट जलमग्न हो गया। लोग जमकर स्नान का आनंद ले रहे हैं। संगम तट पर लगने वाली दुकानें जलमग्न होने से बाहर लगाई जा रही हैं। बड़े हनुमान जी हमारे डूब गए हैं, फिर भी इस नगरी में आके बहुत ही हर्ष और उल्लास का एहसास हुआ। कैसा लग रहा है? बच्चों को नहला रही है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग तो हर साल आते हैं, हर साल गंगा जी डूबती है। कहाँ से आए हैं? यहाँ हम लोग आए कटरा से देखने आते हैं। हर साल बजरंग बली कैसे डूबते हैं अपना, वैसे तो तीस साल आते थे, अब तो हर साल आते हैं। आ गए जल्दी। कैसा लग रहा है संगम का अद्वितीय नजारा, जहाँ पर ये मंदिर का कपाट पूरी तरीके से गंगा में समाहित है, क्या लग रहा है आपको? आए सबसे पहले मैं आपके चैनल को
धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने चैनलों के माध्यम से जो है गंगा माँ का जो बजरंग बली का ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि जो है प्रत्येक साल जो है माँ गंगा जो है अपने बेटे को जित नहलाती हैं। ये तो सार्वजनिक बात है कि इनका जो है जिस तरीके से एक माँ जो है अपने बेटे को नहलाती है, उसी तरीके से गंगा माँ जो है अपने लेटे हनुमान जी और यहाँ पे उनका बजरंग बली के नाम से जो है प्रसिद्ध है, तो इनको नहलाती है हर साल। क्योंकि ये बाहरी पानी तो जरूर है मगर इतनी शक्ति। बदायूं सदर कोतवाली क्षेत्र के नईसराय मोहल्ले में पैसे के लेनदेन के चक्कर में एक युवक को गोली मार दी गई है और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के परिजनों ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, वहीं घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल युवक नईसराय का रहने वाला है। शहजाद ने किसी व्यक्ति को 3 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे दिए थे, जिसको लेकर शहजाद ने अपने पैसों की मांग की। पैसे मांगने पर आरोपी आग बबूला हो गया। उस लड़ाई झगड़ा करते हुए हाथ में गोली मार दी से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है। लगातार पहाड़ी से बड़े बोल्डर और मलबा आने से रास्ते बंद हो रहे हैं। सड़क मार्ग अब तक नहीं खुल पाया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले इस मोटर मार्ग को कपीरी पट्टी की लाइफ लाइन कहा जाता है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही न होने के कारण ग्रामीण कर्णप्रयाग ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चल रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी स्कूली जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। सड़क में पानी और मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिसके चलते पैदल चलने वाले राहगीरों को अपनी जान जोखिम में डाल आवागमन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते सड़क अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है। हमारी क्षेत्रीय जनता को बहुत असुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। हर आदमी अपनी जान को हथेली में रखकर जो है जान को हथेली में रखकर यहाँ पर चलना जाना पड़ रहा है। और जैसे यहाँ पर देखिए आप कनखुल और बिडोरी के बीच में जो स्लाइडिंग यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर जो खुद मेरे ही दो खेत थे, हमने जन क्षेत्र के लिए अपने खेत वहाँ पर कटवाए, लेकिन देखिए वहाँ पर लगातार 5-6 खेत ऊपर तक भूस्खलन हो रहा है। तो सड़क होने पे इतनी बड़ी दिक्कत है कि आजकल जो है यहाँ बरसात के सीजन पे और 2 दिन से ये सड़क बड़ी मुश्किल से तो पहले ठीक हो पाई, और 2 दिन से पत्थर पड़ा हुआ और पेड़ ओल्डी बिल्कुल सोया हुआ है। जबकि मौखिक रूप में लिखित रूप में पेड़ ओल्डी को बता चुके हैं। और यहाँ पर जो इतनी परेशानियाँ बच्चों के, गर्भवती महिलाओं के लिए और जो बीमार व्यक्ति हैं, यहाँ पर से इतनी परेशानी है कि जनता। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक भर्ती मामले में अभी तक एसटीएफ ने 22 गिरफ्तारियां कर ली हैं। एसटीएफ की त्वरित कार्रवाई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद अधिकारियों की सक्रियता से सत्ता पक्ष के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा हुआ है। विपक्ष ने जहां एक ओर इस मामले की सेटिंग जल्द से जांच कराए जाने की मांग की है, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जांच से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मामले की तह तक पहुंचना भी बाकी है और इसके तह तक पहुंचने की आवश्यकता भी है। विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले में खानापूर्ति की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसमें कई बड़ी मछलियां शामिल हैं, यानी कि बहुत से ऐसे सफेदपोश हैं जिनको सरकार बचाने में जुटी है। हाँ, मैंने भंग करने की बात की थी, 27 जुलाई को मैंने ये बात कही थी, लेकिन जो हमारी एसटीएफ है वो अच्छा जांच कर रही है और अभी तक मेरी जानकारी में 19 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और एसटीएफ के रडार पर अनेक लोग हैं। लेकिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो परीक्षा भर्ती घोटाले हुए हैं वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 9 घोटाले हुए हैं, और पिछले घोटालों की जांच के नाम पर लीपापोती कर दी गई। इस समय जो घोटाले की जांच हो रही है, जिसमें 22 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, उस जांच के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि ये दिसंबर की परीक्षा में पेपर लीक में, क्योंकि पेपर एससी में और भी भर्तियों में बड़े घोटाले के मामले सामने आए, कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर? हम चाहते हैं कि इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, ताकि किसी सरकार का कोई दबाव ना हो और कोई ऐसी एजेंसी ना आ जाए जिस पर सरकारी नियंत्रण दूसरे तरीके हो। जज के द्वारा अगर किसी सिटिंग जज से अगर ये जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हम चार
सरोवर नगरी नैनीताल के भवाली अल्मोड़ा मार्ग पाइंस के पास पिछले दिनों मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ों से पत्थर और मलबा आ जाने के कारण कई दिनों तक मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था, जिसको खुलवाने के लिए जिला प्रशासन ने दिन रात एक कर जैसे तैसे पहाड़ को काटकर यातायात के लिए मार्ग खोल दिया था। बाद में फिर से सुबह पहाड़ से मलबा पत्थरों के साथ भारी भरकम पेड़ आ जाने से कई घंटों तक यातायात व्यवस्था बाधित हो गई, जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, पेड़ को दो जेसीबी मशीन के द्वारा हटाने की कोशिश की गई। सड़क को यातायात खोलने के लिए तैयार किया जा रहा था। सड़क के दोनों ओर आने जाने वालों का तांता लगा रहा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में आम आदमी पार्टी भी भड़क गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नटराज चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर धांधली में शामिल कथित नेताओं को बचाने में लगी है, जिसे आम आदमी पार्टी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा एक्शन नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पौड़ी जिले में कांग्रेस के युवा नेता नितिन बिष्ट ने उप जिलाधिकारी पौड़ी आकाश जोशी द्वारा की गई बदसलूकी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत, पूर्व सांसद प्रत्याशी मनीष खंडूरी, पूर्व विधायक प्रत्याशी पौड़ी नवल किशोर, जिलाध्यक्ष कांग्रेस विनोद नेगी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी पौड़ी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जिलाधिकारी कार्यालय में की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और उप जिलाधिकारी आकाश जोशी को बर्खास्त करने की मांग की है। सहारनपुर में बहुजन पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन दिया। बहुजन मुक्त पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी मेहरबान अली ने बताया कि 21 अगस्त को कानपुर से बामसेफ का राज्य अधिवेशन होना था, परंतु वहां पर पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम किया। धरना देने वालों में बहुजन मुक्त पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी मेहरबान अली, जिलाध्यक्ष मोहकम सिंह, प्रेदिया कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। जी आपका परिचय? मेरा नाम चौधरी मेहरबानी, बीएमपी का राष्ट्रीय महासचिव, बहुजन मुक्ति पार्टी। आप क्यों बन रहे किस बात? मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। कल एक बाम सेफ का प्रोग्राम था, 37वां उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम था कानपुर में, जिसकी तैयारी लगभग 2 महीने से चल रही थी। वहाँ के तमाम प्रशासन एलआईओ सबको पता था, लेकिन कल अचानक सुबह फॉर्म वहाँ के प्रशासन ने, फोर्स ने वहाँ के बाम सेफ के बानो केस में आरोपियों को जमानत मिल गई है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां इसका जमकर विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले से अल्पसंख्यक जिला चेयरमैन नादिर सलाम ने बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की मांग की। कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला चेयरमैन नादिर सलाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अल्पसंख्यक कांग्रेस बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई निरस्त करके उन्हें दोबारा जेल भेजने के लिए 22-28 अगस्त तक न्याय अभियान चलाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि एक हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान में महिला कॉलेजेस और मोहल्लों में हस्ताक्षर अभियान, फेसबुक लाइव, जनसंपर्क, कैंडल मार्च आयोजित किए गए हैं। मुरादाबाद के मुढ़ापाला थाना क्षेत्र के गांव जगतपुर रामसराय में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले हैं और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। मारपीट में एक दर्जन लोग महिलाओं सहित गंभीर रूप से घायल हो गए। रामसराय ने बताया कि रामचंद्र और उसका बेटा बीर सिंह हमारी जमीन से जबरदस्ती रास्ता निकाल रहे हैं, जबकि हमने शिकायत डीएम एसडीएम से कर चुके हैं। शिकायत करने के बाद जांच लेखपाल को दी गई। लेखपाल ने जमीन का मौका मुआयना किया है। जांच पड़ताल करने के बाद रामवीर सिंह की जमीन में कोई भी रास्ता नक्शे में नहीं मिला। जांच के बाद भी रामवीर सिंह ने हाई फिट रास्ता रामचंद को देने को कहा, जिसको लेकर मारपीट हो गई। संभल में गंगा में बाढ़ भयावह हो गई है। बीते 24 घंटों में गंगा में 1.5 गुना से ज्यादा पानी बढ़ गया है और गंगा में बढ़ते जलस्तर ने गंगा से सटे किसानों की चिंता बढ़ा दी है। नरोरा गंगा बैराज पर 1,53,600 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा है। पहाड़ पर खराब मौसम और बादल फटने के बाद गंगा में बाढ़ विकराल हो चली है। इधर बबराला गंगा घाट पर गंगा खतरे के निशान से करीब 1 फुट ऊपर बह रही है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।